शहबाज नदीम को शहबाज नदीम बनने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्या क्या कठिनाई आई? आप भी झारखंड से आते हैं, महेंद्र सिंह धोनी सर भी झारखंड से आते हैं, तो आप लोग की क्या भी मुलाकात होती है या जब भी मुलाकात होती है तो किस विषय में बातें होती है? 15 साल लग गए इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हुए, तो इन 15 सालों की जो दरमियान में जो क्या क्या मुश्किल का सामना करना पड़ा और क्या आपने ये सोचा कि चलो भाई जहाँ तक पहुँच गए हैं अपन वहीं तक बेहतर हैं? एसोसिएशन के लोग हैं और स्टेट एसोसिएशन के हैं, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के, तो सारे लोग का सपोर्ट रहता है। ऐसा आप कोई भी आप अगर कंट्री के लिए खेलते हैं तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद से खेलें। तो शहबाज नदीम को सबसे ज़्यादा दिक्कतें किनके सामने हुई बॉलिंग करने में? जैसे कि हर एक बॉलर का ये ख्वाब होता है या फिर वो ये सोचता है कि अपन को तो इन्हें आउट करना है इस मैच में चाहे जो हो जाए, तो आपके साथ कभी ऐसा हो कि आपने ठान लिया कि नहीं भाई अपन को इसके आउट करना है तो मैंने आउट करना है? सचिन तेंदुलकर थे उनको, विराट कोहली जो हैं वो फील्ड पे काफ़ी एग्रेसिव मूड में रहते हैं, तो क्या वो ड्रेसिंग रूम में भी वही मूड में रहते हैं या फिर नॉर्मल? हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आदाब, में शाहिद करीम, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी खबर टाइम्स। इस शेर को पढ़ने का उद्देश्य बस इतना है कि आज हमारे साथ धनबाद की शान, झारखंड की आन और भारतीय क्रिकेट टीम के चमकते हुए सितारे शहबाज नदीम सर हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दी खबर टाइम के दर्शकों को दिया। थैंक यू वेरी मच। सर बातों का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं कि शहबाज नदीम को शहबाज नदीम बनने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्या क्या कठिनाई आई? नहीं, प्रोफेशनल किसी भी चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इजी नहीं होता, हार्ड वर्क, डेडिकेशन और मेहनत उसके साथ लगातार और अपने आप को मोटिवेट रखना वो काफ़ी ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि वो जब वो चीज़ आप में होगा तो धीरे धीरे जो आपका टारगेट है वो अचीव आज नहीं तो कल हो ही जाता है। मुश्किलें क्या क्या आई थी आप में? नहीं, मुश्किलें ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किलें तो हर प्रोफेशन में है, लेकिन अगर उस थोड़ी भी मुश्किल है, अगर आप कंट्री के लिए खेलना चाहते हो, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना चाहते हो और 150 करोड़ लोग हैं तो आपको हर मुश्किल के लिए तैयार रहना है। और मुश्किलें हर क्रिकेट के प्रोफेशन में आती है, आपको लगातार परफॉर्म करते रहना है, अगर लोग को उतना अभी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं निकल, आपको कंटिन्यू वो परफॉर्मेंस देते रहना है कि धीरे धीरे आप लाइमलाइट में आए, लोग पहचाने आपको, आपको जाने, आपका सिलेक्शन हो। सर ये तो जैसे कि आपने तकरीबन 15 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, फिर उसके बाद आपको लगभग 15 साल लग गए इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हुए, तो इन 15 सालों की जो दरमियान में जो क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा और क्या क्या, या फिर आप क्या सोचते थे कि और क्या कितना मेहनत किया जाए कि वहाँ तक पहुँचे, या फिर आपने ये सोचा कि चलो भाई जहाँ तक पहुँच गए हैं अपन वहीं तक बेहतर हैं? नहीं, मुझे लगता है कि एक सेट गोल होना चाहिए, जब भी आप क्रिकेट खेलते हैं, आप स्टार्ट करते हो, आपका एक सेट गोल होता है कि मेरे को ये इस लेवल में खेलना है और ये अचीव करना है, तो उस ड्यूरिंग आपको बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, आपको मेंटली, आपको दूसरों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मेंटली अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, मुझे लगता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो वही आदमी वही हारता है जब आदमी अपने आप को खुद सेल्फ मोटिवेट नहीं रख सकता है, तो आपको सेल्फ मोटिवेट रखना और उसके बाद भी परफॉर्म करते रहना। शहबाज नदीम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत कौन दिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में कि नहीं भाई तुम आगे बढ़ो, अभी नहीं हो रहा तो कभी ना कभी हो जाओगे? नहीं, बहुत सारे लोग हैं, कोचेज हैं हमारे जो धनबाद के, बहुत सारे लोग हैं, मेम्बर्स हैं, एसोसिएशन के लोग हैं हमारे, स्टेट एसोसिएशन के हैं, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के हैं, तो सारे लोग का सपोर्ट रहता है। ऐसा आप कोई भी आप अगर कंट्री के लिए खेलते हैं तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद से खेल गए, कहीं ना कहीं लोग आपको बैक करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपके पीछे लगे रहते हैं, तो वो हमारे स्टेट एसोसिएशन का भी अच्छा था कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट दोनों का कि काफ़ी मोटिवेट किए सारे लोग को, ये भरोसा था कि यू कैन अचीव वॉट एवर यू हैव प्लान्ड, तो वो मुझे लगता है कि वो अगर ऐसा उनके उनके ऊपर अगर उनके पास इतना कॉन्फिडेंस है तो आपको भी वो कॉन्फिडेंस से हेल्प होता है कि नहीं अगर ये सोच रहे मैं खेल सकता हूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। शहबाज नदीम सर, आप अक्सर अभी आप धनबाद में हैं, तो अब जब भी धनबाद आते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको क्या करना पसंद होता है, कहाँ टाइम आप देते हैं? नहीं, धनबाद जनरली आते हैं तो हम या तो कुछ काम से आए या फिर अपने इन लॉस के घर आता हूँ, तो बहुत सारे फ्रेंड हैं जो झरिया में, क्योंकि झरिया में बहुत सारा रहा हूँ, तो झरिया में भी बहुत सारे दोस्त वगैरह हैं जो वहाँ रहते हैं, तो उनसे मुलाकात होती है, उनसे टाइम पास होता है थोड़ा बहुत, तो वो अच्छा लगता है। तकरीबन आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 450 विकेट्स हैं, तो शहबाज नदीम को सबसे ज़्यादा दिक्कतें किनके सामने हुई बॉलिंग करने में?
ऐसे एक नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जिनके सामने आप बॉलिंग करते हो तो आपको बहुत परेशानी होती है या सोचना पड़ता है। आज भी बॉबी भी बहुत सारे क्रिकेटर हैं, विराट है, वीरेंद्र सहवाग थे, सचिन तेंदुलकर थे, राहुल द्रविड़ थे, तो बहुत सारे लोग हैं जिन पे आप उनके साथ आप उनसे कम्पीट करते हो नेट में और कोशिश करते हो उनको आउट करने की। तो वो कोशिश ही आपके लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। और एक नाम ऐसा नहीं है कि जिसे एक बैट्समैन नहीं हो सकता है, जिसे कठिनाई नहीं, बहुत सारे बैट्समैन डोमेस्टिक में आपको बहुत सारे प्लेयर मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छे से खेलेंगे, लेकिन वहीं पे आपको अपने आप को मोटिवेट रखना और करते रहना। किसी ने सर हमसे एक कहा था कि सर से एक सवाल पूछने के लिए, उसका नाम फैज़ है, उन्होंने कहा कि सर से ये सवाल पूछिएगा कि जैसे कि हर एक बॉलर का ये ख्वाब होता है या फिर वो ये सोचता है कि अपन को तो इन्हें आउट करना है इस मैच में चाहे जो हो जाए, तो आपके साथ कभी ऐसा हो कि आपने ठान लिया कि नहीं भाई अपन को इसके आउट करना है तो मैंने आउट करना है? ऐसे बहुत सारे प्लेयर थे जिनको आउट करने की कोशिश भी की है। सचिन तेंदुलकर थे, उनको IPL में कोशिश किया था, मेरे से कॉटन बोल्ड उनका छूट गया था, तो उसके बाद वो रिटायर हो गए। तो एक ही बार मौका मिला उनको बॉलिंग करने का, जिसमें आदमी सब हर प्लेयर का हर का गोल होता है या टारगेट होता है कि सचिन जितने महान क्रिकेटर उनको आउट करूँ मैं, तो मेरा भी था बट अनफॉर्चुनेटली वो मिस हो गया कॉटन बोल्ड मुझसे खुद, तो कोई नहीं। अच्छा, आपने गेल को आउट करने के लिए, मैंने आकाश चोपड़ा सर का इंटरव्यू में दिया देखा था कि आपने गेल को आउट करने के लिए तकरीबन 1.5 साल मेहनत उसमें किया था, तो क्या क्या मतलब ऐसा क्या था या क्या सोच थी आपकी? नहीं, कुछ सोच नहीं थी, क्योंकि गेल लेफ्ट आर्म स्पिनर इनकमिंग बॉलर अच्छा खेलते हैं, तो मैं शुरू से प्रैक्टिस कर रहा था चाइना मैन, जबकि चाइना मैन बॉलर हूँ, मैंने चाइना मैन प्रैक्टिस कर रहा था कि जब भी वो मुलाकात होगी तो उनको मैं चाइना मैन ही डालूंगा। तो मुझे लगता है 7-8 साल के बाद फर्स्ट टाइम उनको बॉलिंग की थी, तो वो सामने आए तो चाइना मैन मैंने डाली और वो आउट हो गए, लकली आउट हो गए। तो एक वो था, वो सेटिस्फैक्शन होता है कि जिसके लिए मैंने मेहनत की 1.5 साल, वो अगर पेड ऑफ होता है तो एज ए क्रिकेटर आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। अच्छा, जैसे कि आपने जब IPL का अपना पहला मैच खेला था तो आपको पता भी नहीं था कि आज आप खेलने वाले हैं और आपने किसी और के जूते पहने हुए थे, तो वो थोड़ा सा वाकया अगर जिक्र कीजिएगा तो? नहीं, वो जनरली राजस्थान से मैच था हमारा और राजस्थान ही में था जयपुर में, तो जो लोग नहीं खेलते थे उस दिन पहले था कि जो लोग नहीं खेलते थे वो सुबह प्रैक्टिस करने जाते थे क्योंकि शाम का मैच होता, तो मैं भी गया था सुबह प्रैक्टिस करने। उसके बाद फिर वापस आया, फिर ग्राउंड गया, तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं खेल रहा हूँ, मुझे पहले था कि प्लेइंग 11 बन चुका है। तो लास्ट वीरेंद्र सहवाग हमारे कैप्टन थे, तो लास्ट मोमेंट में जब टॉस करके आए उन्होंने बताया कि नदीम तू खेल रहा है। मैंने कहा भैया मैं तो कुछ ले ही के नहीं आया, मैं तो सुबह प्रैक्टिस करने गया था और किट बैग मैंने रूम पे छोड़ दिया है। तो फिर उसने बोला कि उन्होंने कहा कि इस यहाँ इस लेवल में ऐसे ही होता है कि कभी भी पिच देख के सिचुएशन देख के आदमी चेंज करता है। फिर मैंने अपने दोस्तों से जूते वगैरह मांगा, शेयर किया, फिर उसी से खेला। जैसे कि एक चीज़ देखा बहुत ज़्यादा आता है कि विराट कोहली जो हैं वो फील्ड पर काफ़ी एग्रेसिव मूड में रहते हैं, तो क्या वो ड्रेसिंग रूम में भी वही मूड में रहते हैं या फिर नॉर्मल? नहीं नहीं, विराट ड्रेसिंग रूम में काफ़ी मजाक करने वाला लड़का है, हंसी मजाक करने वाला। ग्राउंड में उसका अलग, अपना क्रिकेट खेलने का तरीका अलग है, सबका अपना अपना तरीका होता है। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर हैं जैसे मोहम्मद सिराज है, सिराज के बारे में भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ग्राउंड में दिखता है, ग्राउंड के बाहर सबसे ज़्यादा हंसने वाला लड़का वही है, मजाक करने वाला लड़का वही, तो सबका अपना अपना खेलने का तरीका है। सर आप भी झारखंड से आते हैं, महेंद्र सिंह धोनी सर भी झारखंड से आते हैं, तो आप लोग की क्या भी मुलाकात होती है या जब भी मुलाकात होती है तो किस विषय में बातें होती है? नहीं, जनरली क्रिकेट के बारे में बात होती है, नहीं तो जब हम लोग स्टार्ट किए थे क्रिकेट जब उनके साथ, जनरली पहले की बातें 19 डेज के, 25 के, रणजी ट्रॉफी शुरू के, तो वही थोड़ी बहुत हंसी मजाक ऐसे क्रिकेट की जब आप बात करोगे तो वो बताते ही हैं, या आपने कुछ गलत किया तो वो बताते हैं, नहीं तो जनरली इधर उधर बातें ही होती हैं। अच्छा, जब आपको इंटरनेशनल का जब पहला मैच खेले थे 2019 में, तो आपको खबर नहीं थी कि आप भी टीम में आने वाले हैं, तो उस वक्त शायद आप धनबाद में थे, कलकत्ता में थे। अच्छा, कलकत्ता में थे, तो वहाँ से आप फिर खुद से गाड़ी चलाकर वहाँ तक गए? हाँ नहीं, गाड़ी चला के नहीं, मैं गाड़ी से गया था ड्राइवर के साथ, तो वहाँ से गया था। उसके बाद तो आपको अचानक खबर आई कि? हाँ, अचानक मुझे खबर आई, मैं दोपहर में फ्राइडे का दिन था, नमाज़ पढ़ रहा था, उसके नमाज के वक्त ही फ़ोन बजने लगा, मतलब साइलेंट पे था। उसके बाद मैं नमाज़ ख़त्म करके बाहर निकला तो देखा कि फ़ोन आ रहा है, तो मैंने उठाया, फिर पता चला कि आना है ऐसे वैसे स्टैंड बाई हो, शायद खेलने का मौका हो, इंजरी है कुलदीप को ये वो, तो फिर मैं गया। एक और एक दो सवाल और हैं। एक सवाल ये है कि एक बॉल में अगर 6 रन चाहिए तो सवाल नदीम कहाँ बॉल करेंगे क्रिस गेल को? क्रिस गेल को मैं यॉर्कर ही कोशिश करूँगा, वाइड यॉर्कर। वाइड यॉर्कर, हाँ जी।
आमिर इमाम एक हैं, उनका एक शेर है कि मत बताना कि बिखर जाएं तो क्या होता है, नई नस्लों को नए ख्वाब सजाने देना। तो नई नस्ल आपके सामने है, आप रोज़ आ रहे हैं, एक हफ्ता वक्त भी दिए, तो तमाम नई नस्लों को जो क्रिकेट में अपना मकाम हासिल करना चाहते हैं, भारतीय टीम में खेलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अगर दी खबर टाइम के द्वारा कोई अगर कोई संदेश देना चाहें आप। नहीं, संदेश यही देना है कि हार्डवर्क का कोई सब्सिडी नहीं है, आपको हार्डवर्क करता ही रहना है और हार्डवर्क और अपने आप को मोटिवेट रखना है, और जो टारगेट बनाया है वो अचीव जब तक नहीं हो उससे पहले रुकना नहीं है। अगर वो रुक गए, वो अगर दिल से वो टारगेट और गोल आपका ख़त्म हो गया तो फिर आपका मोटिवेशन नीचे हो जाएगा। तो वो टारगेट जब तक आप में रहेगा, वो गोल रहेगा, आप मोटिवेट रहोगे, आप ज़्यादा मेहनत करोगे, तो आज नहीं तो कल वो अचीव हो गई। जाते जाते एक और सवाल कि जेलगाड़ा क्रिकेट एकेडमी को आप किस रूप में देख रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं? नहीं, काफ़ी अच्छे लड़के हैं यहाँ इस कैंप में जो मैंने अभी तक देखा, और काफ़ी मेहनती है, सबसे बड़ी बात है मेहनती और डिसिप्लिनड है, और जो एक क्रिकेटर में होना चाहिए। तो काफ़ी यहाँ के जितने भी प्लेयर्स मैंने देखे उन सब में वो चीज़ है, और सीखने की एक इच्छा और अंदर से चाहत है कि सीखना और इम्प्रूव करना एज ए क्रिकेटर, और कैसे सीख सकते हैं और कैसे मेहनत कर सकते हैं, क्या सही कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा है इन यहाँ के लड़कों में जो मैंने देखा है। तो मुझे लगता है ये अगर ऐसी मेहनत करते रहेंगे तो ऐसे बहुत आगे जाएंगे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सर।